उड़ावा। ना पेशी होगी ना गवाह होगा, जो भी उनसे उलझेगा बात तबाह होगा। मैं खुद एक एक्टर हूँ, मेरे सामने एक्टिंग करते तेरी तब तुझ में हिम्मत है तो चलाना गोली, चला गोली। भगवान की कसम सर, वो पांचों खून। सर मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। हम भी को बाहर भेजने का बंदोबस्त कर। क्या इजहार करना ही प्यार है, इंतजार करना प्यार नहीं, क्या किसी को पा लेना ही प्यार है, उसको सिर्फ चाहना प्यार नहीं। अगर उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना प्यार है तो उसकी लिए उसकी खुशियों के लिए दुआएं करना वो क्या। तुम्हें कैसी लड़की पसंद आएगी? थोड़ी छोटी सी, थोड़ी मोटी सी, इसके बाल सेम कलर। राजीव हाय। ये सब हाय पढ़ना क्या लिखा? किसी के लिए नोट्स लिख रही थी। तुम्हारी सोशल वर्क की आदत नहीं गई अब तक? स्कूल में तुम्हारे नोट्स लिखती थी ना, शायद वहीं से आदत लग गई। मैं वो लड़की नहीं जो किसी का घर तबाह कर दे, ना ही मैं वो लड़की हूँ जो छुप छुप के प्यार करे। Whatever I do it openly। डैडी आप समझते क्यों नहीं, अरेंज मैरिज में लड़का लड़की के घर आएगा तो शरीफ बनकर ही आएगा, शराबी हो तो हाथ में बोतल लेकर नहीं आएगा। करेक्ट। जुआरी हो तो आते ही पत्ते बांटने नहीं लगेगा। Right. और अगर किसी लड़की वड़की का चक्कर हो तो उसे साथ लेकर नहीं आएगा। अगर मेरे पति के बारे में कोई बात की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। आई भी आपके पति के बारे में बात करने ही हूँ। वही तो, सारी दुनिया में तुझे मेरा ही पति मिला। आपके पति जैसा दुनिया में दूसरा कोई है भी तो नहीं। तो आंख उठाकर। क्या बात है काजल बेटी, जरा घर का ख्याल रखना। शारदा चाचा हम लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रीगल सिनेमा में एयर कंडीशन है ना। बाय। तुम्हारे लिए मेरी बस एक ही फीलिंग है, आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये बताओ तुम्हें मुझसे नफरत करना अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। तो फिर तुम इतने तेवर दिखाकर क्यों बोल रही हो? यही बात तुम मुस्कुरा के भी तो कह सकती हो। आई हेट यू। बात आई लव यू। हलवा बहुत अच्छा बना था। पहली बार बना रही थी, डर रही थी पसंद आएगा या नहीं। प्रीति